तो नेपाल के बॉर्डर के पास हम लोग, यहाँ आओ तो नेटवर्क वेटवर्क सब गायब। भाई स्टेशन पे भगदड़ मच गई, बहुत बुरी भगदड़ मच गई। ये हाईवे, ये हमारा हाईवे ड्राइवर और ये यहाँ हाईवे ड्राइवर, दो हाईवे ड्राइवर है हमारे पे, सब्सक्राइबर बने। नाम बताओ अपना। अमरजीत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:06। आज मतलब जब से आया हूँ फर्स्ट टाइम आज इतनी जल्दी उठा हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है। सुबह सुबह एकदम मस्त ठंडा मौसम है, पूरी हरियाली हरियाली दिख रही है। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और जल्दी इसलिए उठा हूँ कि ये भाई साहब आज जा रहे हैं मुंबई, इनको हम लोग छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन पे, ठीक है। और इसे भी काफी लेट हो चुके हैं, तभी जल्दी जल्दी निकलते हैं हम लोग। गाड़ी में अंधेरा आ रहा था बैठा था, तो इसलिए मैंने उतार के मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ यहीं से। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे। सूरज देव तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं निकलने, अभी थोड़ी देर में निकल भी जाएंगे। कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो सूरज देव होता है। बाकी बड़ा खूबसूरत मंजर दिख रहा है, देखो सामने सूरज। मेरा हाईवे ड्राइवर भाई है, आराम से चल रहा है। बाकी देखिए कितना खूबसूरत नजारा है सामने का। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं कटेला कोठी है, छोटा सा चौराहा है। और मजे की बात बताओ, ट्रेन है 6:55 पे, हम लोग अभी रास्ते में है। अच्छा 7:55 था, सॉरी। और अभी टाइम कितना हो रहा है फिर से? 6:30, 6:30 बज गए, मतलब आधा घंटा हो गया हमें चल के। रास्ता काफी खराब है हमारे एरिया में, तो भाई रास्ता खराब ही है, बन रहा काम चालू, ऐसा नहीं चालू है, लेकिन अब 6 महीना साल भर 2 साल लगे, अभी कोई पता नहीं कब बनेगा, लेकिन काम स्टार्ट है। तो इसलिए कहीं भी जाना होता तो लेट ही होता है। और हमारा जो हैवी ड्राइवर वो कह रहा था आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो चलो अभी आधा रास्ता भी नहीं कवर किए हैं हम लोग, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है घर से निकल के। बाकी देखते हैं पहुंच जाएंगे, हर 5 मिनट पहले भी पहुंचे तो अच्छी बात है, बस ट्रेन ना छूटे। हम लोग अभी बढ़नी जा रहे हैं बढ़नी स्टेशन पे। हाँ अगर ट्रेन छूट गई तो भाई फ्लाइट से मार देंगे, मुश्किल नहीं है। पैसा बहुत है भाई, हैवी ड्राइवर है वो, हैवी ड्राइवर के पास पैसा बहुत है। फ्लाइट का टिकट मारेगा फिर डायरेक्ट गोरखपुर जाके छोड़ेगा या तो लखनऊ, लेकिन लड़के को आज भेज के ही रहेंगे। कल तो एकदम फॉर्म में आ गया था कि नहीं मुझे आज के आज टिकट चाहिए फ्लाइट का, मैं फ्लाइट से जाऊंगा। सोहेल सेठ को बोलता अभी कहीं नाश्ता वास्ता कराएगा भाई हमारा हैवी ड्राइवर। हाँ वो क्या बोलते हैं वही कहीं छोले भटूरे एक नंबर बनाता है कोई, तो वही एक नंबर खाएंगे फिर 2 नंबर हो जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं कटेला चौराहे पे, सारे चौराहे अभी अब हम लोग आ गए पेट्रोल पंप पे। और पेट्रोल की कीमत है 96.33 और डीजल की कीमत है 87.83। बस अभी डीजल डालेंगे उसके बाद फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो जनाब ऐसा है ना, हम लोग डीजल डाल रहे थे, तो जो भाई साहब डीजल डाल रहे हैं ना, आ जाओ यार, ये कह रहे अपने चैनल का नाम बताओ, तो चलो एक नए हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे। नाम बताओ अपना। अमरजीत। ये है कटेला है ना, कटेला में लगता ना, कटेला का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे भाई काम करते हैं इनका पता नहीं, मतलब ये यहाँ रहते हैं, ये मशीन पे रहते हैं, ये डीजल डालने जा रहे हैं गाड़ी में। तो ये नए सब्सक्राइबर बन गए हमारे। और सामने देखो सूरज एक नंबर निकल रहा है, ये मेरे पीछे देखो सूरज, यहाँ से करूंगा तो मेरा चेहरा भी क्लियर आएगा। जनाब डीजल तो डाल लिया हमने, बड़ी खुशी हुई यार, मतलब फर्स्ट टाइम मिला भाई, नाम भूल गया सॉरी आपका मैं, अच्छा लगा ऐसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भाई दिल को। बस सपोर्ट करिए आप लोग यार, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मेरा फेसबुक पे भी पेज है, मैं बताऊंगा, अभी रात में मैं करने वाला था उस पर काम लेकिन किया नहीं है, तो जल्दी बनाऊंगा फिर उसके बारे में बताऊंगा। बाकी चलिए हम लोग अभी रास्ते का मजा ले रहे हैं। और कुछ इस तरह दिख रहा है मेरे पीछे, कुछ नजर तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि हाईवे ड्राइवर बड़ा स्पीड चल रहा है तो दिख नहीं रहा, बाकी दिखाऊंगा कि आपको सिर्फ खेत है। बाकी चलिए मैं आपको बॉर्डर पे चल के दिखाता हूँ
नेपाल के बॉर्डर पे जा रहे हैं हम लोग। जो स्टेशन है वो नेपाल के बॉर्डर पे है, तो हम लोग वहीं पर हम लोग आ चुके हैं झकैया चौराहे पे, जो कि यहाँ से हमें मारना है राइट, और राइट मार के हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे बढ़नी रेलवे स्टेशन। और सूरज काफी अच्छे से निकल चुका है, बाहर धूप भी आ चुकी है। ये मेन हाईवे है, यहाँ से ज्यादा 15 मिनट का रास्ता है, हाईवे से टाइम नहीं लगेगा। सामने देखिए नजर आ रहा है ना आपको हाईवे, ये हाईवे, ये हमारा हाईवे ड्राइवर और ये एक यहाँ हाईवे ड्राइवर, दो हाईवे ड्राइवर है हमारे पास और सामने हाईवे। हाँ बेल्ट लगा लो भाई, हाईवे है तो ये सब ध्यान दिया करो भाई, हाईवे पे जरूरी हमेशा लगाओ। अब ये देखिए छोटी सी नदी, छोटी नहीं बड़ी नदी है, लेकिन अभी पानी नहीं है ना तो छोटी ही नजर आ रही है। ये राप्ती नदी कहते हैं इसको, तब काफी दूर ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है, कहाँ कहाँ से गई है, इस तरफ कुछ ऐसा नजर आ रहा है। देखें जनाब एक नया नया ब्रिज बना है, ये अभी कुछ दिन पहले 6 महीना पहले हम लोग यहाँ आए थे ना, तो यहाँ कच्चा रास्ता था, ब्रिज का काम चल रहा था, लेकिन ओवरऑल ब्रिज का काम हो चुका है खत्म। ये सामने अभी हम लोग ब्रिज से ही चल रहे हैं और नीचे शायद नदी क्या बोलते हैं कुछ नहर है, नहर बनी है शायद, पानी आने के लिए अभी नई नहर बनी है। ये है मेरे पीछे स्टेशन बढ़नी, पीछे कुछ ऐसा नजारा है, पब्लिक है सुबह सुबह, कुछ ऐसा नजारा है रेलवे स्टेशन का बढ़नी। ये पार्किंग है बाहर, अभी प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है रोड, मतलब यहाँ रोड है, ये सीधा आपको नेपाल लेके जाएगा, हम लोग बॉर्डर पे ही है समझ लो, वो साइड में। ये सामने ही देख लें आप, ये जो सामने घर दिख रहा है इसके वो साइड में नेपाल, इस तरफ इंडिया, ये जो रोड गया है ना ये गया नेपाल, ये बॉर्डर एरिया है, मतलब बॉर्डर आगे है लेकिन यही रोड गया सीधा, ये साइड में नेपाल, ये साइड में इंडिया, स्टेशन के बाहर ऐसा नजारा है। ये अभी हो गया प्लेटफॉर्म टिकट लेने, फूल लेके आए फिर हम लोग अंदर जाएंगे, कुछ ऐसा है नज़ारा। हम लोग हैं स्टेशन पे और स्टेशन का कुछ नज़ारा ऐसा है, पब्लिक देखो, बाकी स्टेशन पे भीड़ देख लो कितनी है। ट्रेन आ गई, भाई साहब जा रहे हैं, तो भाई साहब वापस कब आएंगे बताओ फिर? जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी मतलब कब? जल्दी मतलब 3-4 महीना 1 साल, 3-4 महीने 1 साल में आएंगे। इनकी ट्रेन भी आ गई है, मैं दिखाता हूँ ट्रेन, ये देखो सामने से ट्रेन भी आ रही है, ये देखें ट्रेन। भाई स्टेशन पे भगदड़ मच गई, सबका डब्बा आगे पीछे है, एक मिला तो भोरे रहा भाई, हमारे भगदड़ बहुत बुरी, भगदड़ मच गई। S1 में इसका, S1 आगे आगे, हम लोग भी पीछे खड़े थे और पूरी पब्लिक भाग रही है स्टेशन पे। ये हुआ, ये पहुंच गए हम लोग S3 पे, अभी आगे S2 है, उसके बाद S1। कितना नंबर सीट है? 11। ये हम लोग आ गए S1 पे, ये सामने S1। लेकिन भाई जो भगदड़ मची थी ना अभी, पब्लिक यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, क्योंकि सब किसी को पता नहीं था डब्बा कहाँ आने वाला है, सब इधर उधर बैठे थे, जब ट्रेन आई तो सब यहाँ वहाँ भागने लगे। फिर ये मिल गई सीट इनकी, 11 नंबर सीट है। वसीउल्ला अच्छा मिला है, अच्छा मिला है, 11 नंबर है ना, सीधा ऊपर निकल ले, वहीं सो जा, कल ही उठना, फिर सामान नीचे डाल देना, सामान नीचे डाल दे। तो जनाब भाई साहब की ट्रेन हॉर्न बजा दी है, निकलने का टाइम,
भाई निकल गया अभी हम लोग भी। जनाब वसीउल्लाह साहब चले गए, हम लोग भी आ गए बाहर। पहले चल के नाश्ता किया जाए। नेपाल के बॉर्डर के पास हम लोग, यहाँ आओ तो नेटवर्क वेटवर्क सब गायब। एयरटेल का होता है, बाकी जियो का तो पूरा गायब हो जाता है। और भाई आज जब से आया हूँ ना, आज 5 बजे उठा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम 5 बजे उठा हूँ। और वसीउल्लाह को जाना था छोड़ने, इसलिए 5 बजे उठना पड़ा आज। ये आ गया आपका क्रॉसिंग, क्रॉसिंग खोल दिया गया। ट्रेन भी जा चुकी है, हमारे वसीउल्लाह साहब भी जा चुके हैं। और इस तरफ था रेलवे स्टेशन। तो जनाब हम लोग आ गए होटल में अभी नाश्ता करने। ऑर्डर दे दिया, खाएंगे अभी छोले भटूरे, गर्मा गर्म छोले भटूरे। हम लोग बढ़नी चौराहे पे नाश्ता करके फिर सीधा घर। अगर रास्ते में कुछ दिखेगा कि आपको दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगा, तो सीधा घर पे ही जाएंगे। नाश्ता आ गया। अब ये आ गया हमारा नाश्ता, ये है क्या ये छोले भटूरे, नहीं ये भटूरा है, भटूरा और ये है छोला। अभी टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। ये ट्राई करता हूँ खा के, कैसा दिखता है। तो काफी गर्म, लेकिन खा के देखने में कैसा है। टेस्टी है, खाते हैं हम लोग उसके बाद। अब अभी पहुंच चुका हूँ बढ़िया, वहां से हम लोग आ गए। रास्ता बहुत खराब था, आराम आराम से है, लेकिन रास्ते में कुछ वीडियो वगैरह बनाया नहीं, कहीं रुका भी नहीं। अभी फिर हम लोग रुके हैं बढ़िया में चाय पीने के लिए। मेरे साथ अभी सोहेल तो साथ में ही था, ये हैं मामू के लड़के हैं और एक दोस्त है। चाय जिसकी दे रहा हूँ उसका फेस दिखाता हूँ, वो शर्माता कहता मेरा सुना कुछ। ये देखिए चाय बना रहा ना, उसको पता नहीं है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर उसको पता चल जाए ना तो वो भाग जाएगा। अभी शाम के हो चुके हैं 5, मतलब 5 बज चुके हैं। हम लोग वहाँ से वापस आके फिर मयात के सीधा सो गया था, आधा पौना घंटा सोया था, फिर कोई आ गया था तो फिर उठ गया। उसके बाद फिर सोया हूँ 3 बजे, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ क्योंकि नींद ज़्यादा आ रही थी, रात ने भी काम किया था, जागा था। सुबह 5:30 बजे उठ गया था, तो इसलिए फिर दो दिन में सो गया था आज। बाकी और कहीं गया ना, अभी खेत में आया था और अम्मा को लेने वो खेत में थे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।